CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। सिद्धार्थनगर जिले से सटी नेपाल सीमा पर आज SSB और पुलिस के जवान काफी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो नेपाल बॉर्डर पर ये एजेंसियां हमेशा ड्यूटी पर रहती हैं, लेकिन राम मंदिर पर फैसला आने को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट नजर आ रही हैं। भारत नेपाल सीमा पर हर आने जाने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा बनाए रखने की लोगों से अपील भी की जा रही है। जैसा पहले भी एक बार अलर्ट था और उसके बाद अभी राम जन्मभूमि का भी फैसला आ सकता है, तो उस क्रम में मेरे और कप्तान साहब द्वारा और कोचिज द्वारा काफ़ी सभी बॉर्डर चेक पोस्ट को चेक भी किया जा रहा है, सभी बॉर्डर भी किया जा रहा है और सभी को इन्फॉर्म भी किया गया कि कोई भी संदिग्ध या कुछ भी टाइप की कोई भी गतिविधि हो तो तत्काल हमें सूचित कर, क्योंकि उसी के क्रम में एक सभी को चेक करना और सभी को एक सेंसिटाइज करने के लिए ये सब चेक देखिए। जो हमारा नेपाल के साथ सीमा है वहाँ पे हमारी सिविल एजेंसी SSB तैनात है और सिविल पुलिस और SSB मिलकर नियमित रूप से वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाती है। अभी क्योंकि आगामी कुछ दिनों में हमारा अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेला जो आयोजन होने वाला है, उसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में नेपाल से श्रद्धालु उसमें प्रतिभाग करने के लिए इंडिया में आते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो और उनकी आड़ में कोई संदिग्ध या कोई अवांछनीय तत्व हमारी सीमा में ना आए, इसके लिए हमने चौकसी बढ़ा दी है और उसी की आज हम समीक्षा करने के लिए आज हम यहाँ पे आए थे, जहाँ पे हमारे द्वारा SSB के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ और जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारी सिविल पुलिस है उन सबके साथ हमने इसमें वार्ता की और उनको जो चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने को मिल रहे हैं उसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की।